हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपके सामने आया हूँ कुछ अनबॉक्सिंग करने के लिए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कुछ अनबॉक्सिंग करने के लिए। और जो है ना, वो अनबॉक्सिंग होने वाला है एक गिफ्ट का, जो भेजा है अमेज़न ने। जी हाँ दोस्तों, ये बॉक्स अमेज़न की तरफ से आया है एक गिफ्ट, और इस गिफ्ट का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आपके सामने। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त दिलीप शर्मा, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं भाई, अगर चैनल को अब तक नहीं किया है ना सब्सक्राइब, तो अभी कर दो, और साथ साथ बजा दो बेल, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, कर लेते हैं इसको अनबॉक्सिंग की, इसके अंदर क्या है, अमेज़न ने क्या भेजा है गिफ्ट। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अमेज़न से आया है गिफ्ट, ठीक है ना। ऐसा गिफ्ट आपको भी मिल सकता है कल। ओहो, देखिए, जिस चीज की जरूरत हर किसी को होती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बोया BYM1, यार बोया BYM1। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इस पैकेट के अंदर क्या है और ये क्या है। ये अच्छा कुछ कागज वगैरह है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, और इस डब्बे की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये है बिल, ठीक है ना। ये बिल क्यों दिया है भाई, ये बिल की तो मुझे जरूरत नहीं है, गिफ्ट में आया वाला चीज है, बिल बाद में देख लेंगे। तो ये देखो भाई, ये बोया BYM1 है, और ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माइक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। इसमें से नॉइस कैंसिलेशन जो होता है ना, वो बहुत शानदार नॉइस कैंसिलेशन होता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये माइक। तो यार, पहले इस पैकेट को खोल लेते हैं और देखते हैं कि इस पैकेट के अंदर जो है ना, क्या क्या निकल करके आता है। तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लेना कि क्या है क्या नहीं है। तो इसको हम ऐसे खोलते हैं, थोड़ा सा मैं इसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा हूं, क्योंकि यार खोलना ही तो है ना। तो अच्छा, ये देखिए, इसके अंदर एक पाउच है, ठीक है ना। ये जो पाउच है, ये इसमें आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं, और अंदर कुछ कागज वगैरह है जिसकी किसी को जरूरत नहीं होती है, कोई इसके बारे में इतना ध्यान भी नहीं देता और कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत सारी चीजें पता होती है, जिसको पता नहीं होती है वो इसमें से देख सकता है। ये लव लेटर जो बोया हर किसी को देता है, इसने मुझे भी दे दिया, और भी है यार इसमें कुछ। अच्छा, ये वारंटी कार्ड है, जो वारंटी हमें मिलता है इसमें। तो यार, इसे हम लोग कर देते हैं साइड, क्योंकि देखो भाई, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये जो है ना, इसमें रख करके क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि ये जो माइक है ना, ये देखो, जो लेपल माइक है, लेपल माइक में सबसे बेस्ट इसे कहा जाता है, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन वगैरह इसका बहुत अच्छा होता है, और जो इसमें वायर है ना, सस्ता भी होता है और बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ इसका जो वायर है, जो इसमें केबल दिया रहता है, ये केबल काफी लंबा होता है, ताकि आप दूर दूर तक जाकर के भी वीडियो आसानी से बना सके। तो इसे मैं करता हूं साइड। और ये जो देखो, ये लेदर पाउच एक दिया गया है, ये बहुत ही प्यारा है, जिसमें बोया लिखा हुआ है, ठीक है, बोया। तो ये बहुत ही प्यारा है कैरी करने के लिए, आप इसे बांध भी सकते हैं। ये पहले पहले हमारी ग्रैंड मदर वगैरह वो यूज करती थी, पैसा रखने का पोटली उसी तरह के का है। तो देखो भाई, इसके अंदर अगर हम लोग खोले, तो पहले ये ऑलरेडी इसके अंदर आया हुआ है। तो ये देखो भाई, ये है केबल, ये क्या है, अच्छा हाँ, ये है देखो सिलिका जेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि इसे कीड़े वगैरह ना खाए, ये खराब ना हो, ठीक है ना। तो इसे मैं कर देता हूँ साइड, क्योंकि इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, कीड़ा नहीं खाएगा, मेरे से बड़ा कीड़ा हो भी नहीं सकता है कोई। तो भाई ये देखो, ये केबल है, जिसे आराम से यहां पर बांध करके रखा हुआ है, काफी लंबा है। अगर मैं आपको खोल करके दिखाऊं अभी, तो काफी लंबा होगा, खोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा है। ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, देखो इसको भी आप कहीं पे, ये क्लिप इसमें लगा हुआ है एक, कहीं पे इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखो, तो यहां पर भी इसे बांध के रखा हुआ है। अभी ये देखो, ये है माइक, और इसमें जो ऊपर से हम लगाएंगे ना, ये देखो यहां पर आ रहा है। अभी इसमें देखो, अगर आप देखोगे ना खोल करके, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब आप अगर इसको DSLR में यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए भी होगा, और 3.5mm जैक भी। तो ये है DSLR के लिए, क्योंकि DSLR में आप इस माइक को अगर यूज करना चाहते हैं, तो इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो ये भी इसमें दिया गया है, और ये देखो एक बैटरी है, जिस बैटरी को आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, तो वो भी इसके साथ दिया हुआ है ऑलरेडी। और ये है पिन, जो पिन आप इस माइक में लगाएंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं और कुछ है या नहीं है।
तो भाई इसमें मुझे और कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, तो ये सब चीजें इसमें दी गई हैं। और ये मैं इसी की तलाश कर रहा था, देखो भाई, ताकि ये क्यों दिया हुआ है मैं आपको बता दूं, ये जो है इस तरह से आप यहाँ पर माइक जो है आपका उसमें आसानी से इसको फिट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और ये जो क्लिप है जो इसमें दिया गया था, इस क्लिप को आप इसमें फिट करेंगे। और अगर आप DSLR में यूज करना चाहते हैं तो DSLR के लिए ये है, इसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो है ये जो है ना, ये बैटरी को आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो इसको ऑन ऑफ करना है। देखिए, कैमरा के लिए अलग है और स्मार्टफोन के लिए अलग है, और मैं आपको बताऊं कि ये सारे स्मार्टफोन में लग जाता है। तो भाई ऐसा गिफ्ट आपको भी मिल सकता है, और गिफ्ट कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, आप अगर किसी क्षेत्र में काम करते हो, जैसे यूट्यूब वगैरह में काम करते हो, और आपका काम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ना, तो आपके पेरेंट्स इसे आपको गिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पेरेंट्स इसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये मेरे एक स्टूडेंट के लिए आया वाला गिफ्ट है जो मैंने आपके सामने अभी अनबॉक्स किया, ये उसके पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट किया है। तो भाई ऐसा गिफ्ट आपको भी मिल सकता है, और ये बात सच है कि ये अमेजन से आया वाला गिफ्ट है और उसके पेरेंट ने दिया वाला गिफ्ट है। तो दोस्तों ऐसा गिफ्ट पाने के लिए आप भी देखिए, दिल से मेहनत कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, और आपके पेरेंट्स जो है वो आपको ऐसा गिफ्ट जरूर देंगे दोस्तों। तो अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले बता दूं कि यार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।